इस साल T20 वर्ल्ड कप होना है मुश्किल। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन बोले, कोरोना के कारण 16 टीमों को एक जगह लाना चुनौती। कई देशों में संक्रमण बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में इस साल T20 वर्ल्ड कप 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होना है। यदि T20 वर्ल्ड कप टला तो BCCI इसकी जगह खाली विंडो में IPL करा सकती है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन अर्ल ने कहा है कि इस साल T20 वर्ल्ड कप होना बेहद मुश्किल है। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में अर्ल ने कहा है कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जूझ रही है, ऐसे में 16 टीमों को एक वर्ल्ड कप के लिए एक जगह लाना चुनौती होगी। ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में इस साल T20 वर्ल्ड कप 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होना है। टूर्नामेंट को लेकर अगले महीने होने वाली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग की बैठक में फैसला लिया जाएगा। 16 टीमों को ऑस्ट्रेलिया लाने की कोशिश हो रही है। अर्ल ने कहा है कि इस साल मुश्किल लग रहा है कि हालांकि अभी टूर्नामेंट के टलने या रद्द होने की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इस साल 16 देशों की टीमों को ऑस्ट्रेलिया लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब भी कई देश ऐसे हैं जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में वर्ल्ड कप होना मुश्किल है। वर्ल्ड कप की जगह IPL होना संभव। अगर इस साल T20 वर्ल्ड कप टला तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI इसकी जगह इंडियन प्रीमियर लीग करा सकती है। फिलहाल कोरोना के कारण IPL पहले ही अनिश्चितकाल के लिए टाला जा चुका है। वर्ल्ड कप से पहले होने वाली है T20 सीरीज रीशेड्यूल करना होगी। BCCI के एक अधिकारी ने कहा है कि यदि T20 वर्ल्ड कप टलता है तो इसे खाली विंडो में IPL को कराया जा सकता है। साथ ही वर्ल्ड कप पहले ऑस्ट्रेलिया में भारत के साथ होने वाली 3 T20 सीरीज भी रीशेड्यूल किया जा सकता है। ये T20 दिसंबर में टेस्ट सीरीज से पहले या फिर जनवरी में वनडे के बाद कराया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया से बाहर कहां होगा वर्ल्ड कप, यह फैसला BCCI करेगी। ऑस्ट्रेलिया से बाहर वर्ल्ड कप कराए जाने पर न्यूजीलैंड के खेल मंत्री ने कहा है कि यह फैसला ICC को ही करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कोरोना के कारण न्यूजीलैंड में बाहरी लोगों का आना मना है, ऐसे में न्यूजीलैंड ने क्रिकेट टूर्नामेंट होने को लेकर अभी तक नहीं कहा जा सकता है। हालांकि अगले साल 6 फरवरी से 7 मार्च तक न्यूजीलैंड में महिला वनडे वर्ल्ड कप होना है, जिसकी तैयारियां जारी हैं। स्टेडियम में 25% दर्शकों को आने की मंजूरी। प्रधानमंत्री स्कॉट ने देश में खेलों की वापसी को लेकर 12 जून को अहम घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि अगले महीने 25% दर्शकों को स्टेडियम में आने की इजाजत होगी। इस फैसले के बाद ही T20 वर्ल्ड कप होने की उम्मीद बढ़ गई थी, लेकिन इस स्टॉक के बयान ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। खिलाड़ियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सबसे जरूरी। ICC के CEO मनु साहनी ने 10 जून को हुई बैठक के बाद कहा था कि हमें टूर्नामेंट पर फैसला करने के लिए केवल एक मौका मिलेगा। हम अपने सदस्यों, ब्रॉडकास्टर, सरकारों और खिलाड़ियों से सलाह लेना जारी रखेंगे ताकि सही फैसला कर सकें। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।